बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका बीबीसी हिंदी बहुत में बहुत शुक्रिया इतने दिन आप जेल में रहे और इतनी बार बेल रिजेक्ट हुई कई बार तो ऐसा लगा कि जज जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अब तो बेल होने ही वाली है लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाती थी कैसा रहा ये पूरा दिन और कौन सा आपका लोवेस्ट पॉइंट था देखिए जेल में कहूँ बहुत ईजी था ऐसा तो है नहीं लेकिन जब मैं जेल गया था तो दो तीन चीज़ें मेरे माइंड में घूमती थी कि एक तो कि मैं तो यार स्कूल बनवा रहा था मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा था और अस्पतालों के लिए काम कर रहा था ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ मतलब मैंने राजनीति में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये लगे कि अंदर से वो किया अच्छा यार चल इस कर्म की सज़ा मिल गई कहते हैं ना पर फिर भी हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ा तो वहाँ से दो ही जवाब आते थे एक तो ये कि ये राजनीति का हिस्सा है और जब आप राजनीति में उतरे हो तो फिर आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है दूसरा ये कि अब समय मिला है आपको तो आप इसका उपयोग कर लो तो वहाँ से फिर मेरे अंदर लगा कि मैं इसको इस समय का इस्तेमाल अपने आप के अंदर झांकने में मैंने मेडिटेशन और उसमें कर लूँ और थोड़ा पढ़ लूँ राजनीति में बहुत ज़रूरत पड़ती है सरकार में जब आप काम करते हैं तो बहुत नॉलेज चाहिए होती है क्या पढ़ा आपने <laughs> पढ़ने में मैं शुरू में क्योंकि मैं गीता लेके गया था अपने साथ तो गीता को भी पढ़ा रिलीजियस बुक्स में रामायण महाभारत से लेके उपनिषद और ये सब बहुत पढ़ा लेकिन साथ साथ फिर जब मैं जितना इनको पढ़ता रहा उतना मुझे लगा कि यूनिवर्स के बारे में तो समझना है तो जहाँ उपनिषद पढ़ना है तो वहाँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी पढ़नी चाहिए तो फिर मैंने क्वांटम फिज़िक्स की बहुत सारी किताबें पढ़ी क्वांटम फिज़िक्स हाँ क्वांटम साइंस क्वांटम फिज़िक्स की तो आ, उस पर लिखी गई मतलब मॉडर्न राइटिंग्स जो हैं उस पर वो पढ़ी मैंने बहुत कोई पी नहीं की लेकिन स्टीफन हॉकिस से लेकर और बड़े बड़े राइटर्स जो आजकल लिख रहे हैं जो आम भाषा में समझ में आ जाती हैं किताबें वो मैंने काफ़ी पढ़ी लेकिन जब आप जेल में गए तो एक बात जो बहुत लोगों ने नोटिस की कि शायद आपकी पार्टी ने उस तरह से विरोध नहीं किया जिसकी उम्मीद थी या जिस तरह सड़कों पर कैडर उतर जाएगा और सब होगा वो नहीं दिखा मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ देखिए कौन सी लड़ाई किस वक्त सड़क पे लड़नी है कब कोर्ट में लड़नी है इसको लेके पार्टी इंटरनली बहुत मंथन करती है हर एक पार्टी करती है हर एक टीम करती है तो जब मुझे अरेस्ट किया गया सब जानते थे कि ये पॉलिटिक्स के तहत किया गया है लेकिन अरेस्ट करके कुछ धाराएं लगा दी गई तो अब वो धाराएं हटवाना और बेल लेना अरेस्ट कर लिया गया तो बेल आना फिर लीगल लड़ाई है तो वहाँ जो भी बेस्ट एडवोकेट देश में हो सकते थे पार्टी ने उनको खड़ा किया और पार्टी जमीन पे उतर के जो काम कर सकती थी पार्टी ने किया अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया और जबकि वो जब विपक्ष में होते हैं तो हमेशा इस्तीफा मांगते थे आपने भी इस्तीफा दिया सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दिया ये क्या जिद है अरविंद केजरीवाल की वो इस्तीफा नहीं देंगे देखिए इस्तीफा देना या नहीं देना मुझे लगता है उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा इस चीज को समझना है कि देश में इस वक्त एक ट्रेंड चल गया कि आप विपक्ष की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी या तो तोड़ेगी पार्टी नहीं टूटेगी तो ये प्रकार उनकी सरकारें गिराएगी षड्यंत्र करके ये एक ट्रेंड चला देश में अगर केंद्र में बैठी हुई पार्टी विपक्ष की पार्टियों की सरकारों को सिर्फ इतने भर से गिरा दे कि आपके पास कोई सबूत होना हो आप बस उसको उठाओ मुख्यमंत्री को उठाओ जेल में डाल दो और फिर बोलो इस्तीफा दो आपकी पार्टी दो बार अच्छे खासे बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है एम में भी आप जीत चुके हैं लेकिन आम चुनाव दिल्ली का आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं अब जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया फिर भी वो क्रैक नहीं हो रहा है क्या वही जो जनता जो आप कह रहे हो कि दिल्ली को बहुत अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है एक पारिवारिक रिश्ता है ये क्या होता है आम चुनाव में क्या है यही हमें भी क्रैक करना है अभी हम तीन बार से देख रहे हैं दिल्ली का एक पैटर्न बना हुआ है पर फिलहाल तो देखिए दिल्ली के पैटर्न में हमें उसी पैटर्न में हमें सेटबैक लगा लोकसभा चुनाव में लेकिन वही पैटर्न विधानसभा चुनाव में हमारी उम्मीद भी अब है और वही कॉन्फिडेंस भी है हमारा कि एक तरफ हम काम कर रहे हैं एक तरफ लड़ रहे हैं और दिल्ली अपने पैटर्न पर कायम है तो आप तय मानिए कि अगले चुनाव में तो एक तो हरियाणा में है अलायंस होने का कोई चांस कांग्रेस के साथ मेरा अभी इस पर कह कुछ भी कहना मुश्किल है बिकॉज अभी इलेक्शन अनाउंस हुए हैं अभी हम इंतजार कर रहे हैं अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद आ, देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं अभी हमारी पार्टी अंदर से क्या फील कर रही है इसको भी समझेंगे मे भी कांग्रेस भी हो सकता है सोचे या नहीं सोचे बाकी जो लोग पार्टियाँ हैं वो सोचे नहीं सोचे तो इन सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा अभी ऐसे मेरे लिए कहना कुछ भी मुश्किल है कि है या नहीं है आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पंजाब में भी आप 2022 में ही अभी अच्छे खासे बहुत हिस्टोरिकल विन मिली आम आदमी पार्टी को लेकिन अभी आम चुनाव में वहाँ पर भी कांग्रेस ज़्यादा जीती सात सीटें और आम आदमी पार्टी तीन सीटें आम आ मतलब जो विधानसभा का जो इफेक्ट था वो दिखा नहीं वहाँ पे भी इस बार चुनाव में क्या वहाँ पे भी कुछ अब आ, पता नहीं इसको क्या विषय है इसको देखिए कैसे ही देख सकते हैं उम्मीद तो हम करके चलेंगे कि भाई जब हमारे पास सरकार है वहाँ पे तो हमें तो तेरह की तेरह सीटें मिलनी चाहिए पर हम एक सीट से तीन सीट पर हो गए ये भी हमारे लिए क्योंकि हर चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है वो डायनेमिक्स में जनता नेशनल लेवल पर सोचती है नेशनल थिंकिंग रखती है और देखती है कि किससे कहाँ उम्मीद है लोकल लेवल पे जनता को पता है अब जनता काफ़ी एजुकेट हो गई है देश की स्टेट इलेक्शन में जनता को पता है कि हमें क्या चाहिए और कौन सी पार्टी दे सकती है तो जो कॉन्फिडेंस हम दिल्ली में पंजाब में स्टेट लेवल के इशूज़ पर दे पाए वो शायद कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जनता को हमारे ऊपर वहाँ नहीं आया लेकिन फिर भी एक सीट से पंजाब में पिछले लोकसभा में हमारे पास एक सीट थी अभी हमारे पास में तीन सीटें हैं वहाँ पे और ये भी कम संतोषजनक बात नहीं है